सो बच्चों हेलो, आपका बेटा यहाँ पे स्वागत है लर्न इंडिया एवरी अडे के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे ब्लड नाम है। तो आज बेटा ब्लड के बारे में यहाँ पे अपन देखते हैं बेसिक से डिटेल की ओर। ओके बच्चे, तो आइए बच्चों यहाँ पे ब्लड के बारे में देखते हैं। अब देखो भाई, ब्लड के बारे में सबसे पहले बोला जाता है कि ब्लड एक वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये देखना है कि जो ब्लड होता है ये आपका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब भाई फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड होता है उसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। क्या नहीं होते? फाइबर्स आर एब्सेंट, फाइबर्स आर एब्सेंट। तो फाइबर्स नहीं होते बच्चे, मतलब किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और दूसरी चीज, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं, तो बेटा यहां पे मैट्रिक्स कौन होता है ब्लड का? प्लाज्मा जो होता है वो कौन सिंथेसाइज करता है? इट इज सिंथेसाइज बाय लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ब्लड का जो बेटा क्या है, मैट्रिक्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बेटा क्या बोलते हैं? वो बेटा कहां से बेटा बनता है? वो बनता है लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन से बनता है। ठीक बात है। ओके, अब यहां पे देखिए ब्लड के बारे में कुछ और चीजें भी यहां पे देखते हैं अपन। जैसे कि ब्लड का बेटा जो यहां पे देखो कलर क्या होता है, कलर की बात करूं तो बेटा रेड कलर का होता है। ठीक है, ब्लड का बेटा यहां पे क्या होता है, मतलब कलर यहां पे मतलब ठीक है रेड होता है। अब यहां पे देखो वेट की अगर बात करूं, वेट की अगर बात करूं तो 7 to 8%, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी के 7 to 8% बेटा क्या पार्ट होता है? ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरी चीज, यहां पे पीएच बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि पीएच क्या होता है ब्लड का, तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है पीएच ऑफ ब्लड। इसका मतलब एल्कलाइन नेचर होता है ब्लड के पीएच का। ओके भाई, ये वाली बात समझ में आ गई मेरे को। दूसरी चीज, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एक मेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, मेल की बॉडी के अंदर बेटा क्या होता है? 5 to 6 यहां पे मतलब लीटर ब्लड होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की बॉडी में 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई मेरे को। अब यहां पे एक टर्म आती है जिसका नाम है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है कि ब्लड के अंदर कितना ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, कितना ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, तो ये बेटा क्या कहलाता है? ये आपका क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहां पे आगे और अपन देखते हैं। चलिए तो आइए बच्चों दोबारा से यहां पे अपन देखते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा ब्लड के कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, ब्लड के कंपोजिशन की। कंपोजिशन में दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट का परसेंटेज 55% होता है और सॉलिड पार्ट का बेटा परसेंटेज 45% होता है आपकी यहां पे बॉडी के अंदर। मतलब ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है और एक पार्ट क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, जो कि 45% होता है। बट लिक्विड पार्ट कितना होता है? 55%। अब यहां पे देखिए लिक्विड पार्ट को बोलते क्या है? लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सॉलिड पार्ट में बेटा क्या आते हैं? ब्लड सेल्स आती हैं, ब्लड सेल्स आती हैं। ब्लड सेल्स को ही कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ब्लड सेल्स को ही कॉर्पसल्स भी बेटा बोलते हैं। ये तीन टाइप की होती हैं ब्लड सेल्स, एक का नाम आरबीसी है, दूसरे का नाम डब्ल्यूबीसी है और तीसरे का नाम प्लेटलेट्स है। सो बेटा क्या है? यहां पे तीन टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। अब यहां पे देखिए प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा क्या है बेटा? ब्लड का मैट्रिक्स है। इसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर होता है। कलर कैसा होता है? पेल येलो। और यहां पे बहुत सारे आयन्स होते हैं जैसे कि सोडियम,
पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, तो ये सब यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये प्लाज्मा का इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। कुछ बेटा यहां पे क्या होती है, गैसेस भी होती है जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक बात है। अब यहां पे देखिए प्लाज्मा का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट में बेटा क्या आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स कहते हैं बच्चे। और यहां पे देखिए प्लाज्मा के चार इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे बेटा क्या है, प्रोटीन्स हैं, जिसके नाम यहां पे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन, एल्बुमिन। दूसरे का नाम क्या है, ग्लोबुलिन। तीसरे का नाम क्या है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन। और फोर्थ का नाम क्या है, चौथे का नाम क्या है, फिब्रिनोजन। अब देखिए भाई चार क्या है प्लाज्मा के बेटा, क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। और जो लास्ट के दो हैं बेटा क्या, प्रोथ्रोम्बिन और बेटा क्या, फिब्रिनोजन, ये क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं ये, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। तो ये क्या था बच्चे आपका यहां पे प्लाज्मा के बारे में डिटेल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जैसे कि बेटा यहां पे देखते हैं कि आरबीसी का नाम क्या होता है, एक और इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का बेटा एक और नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये क्या था बेटा आज का आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक था, जिसका बेटा नाम क्या था, ब्लड था। आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक, उम्मीद, मतलब यहां पे मैं आपको, यहां पे जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा से और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग से टॉपिक और बेटा आगे अपन देखेंगे। चलो बेटा मिलते हैं, ओके बाय बाय।